10 12 दिन में करते हैं। ए बाबी ने मिलकर काम करना शुरू किया, बस 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 10 और 12 का एलसीएम 60। 60 जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए और बी का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे, तो 10 का डिवाइड कर देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा? 6। 12 का डिवाइड करेंगे 60 में, तो एक दिन का काम आ गया 5। तो इनका एक दिन का टोटल काम कितना है ए प्लस बी का? 6 + 5 इजकल टू 11 यूनिट। इनका वन डे वर्क है 11 यूनिट। तो एक मतलब ए है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन तो साथ में काम किया ए और बी ने, तो ए का 3 दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन का काम जब 11 यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना होगा? 11 × 3 = 33 यूनिट। ओके, तो बचा हुआ काम कितना है? टोटल टोटल वर्क से हम लोग जो ए का काम है वो हम लोग घटा देंगे, तो कितना वो बच जाएगा हमारा काम। तो बी का कितना हो जाएगा, मतलब बी को कितना काम करना पड़ेगा 3 दिन बाद? तो 60 − 33 = 27 यूनिट। ओके, और मतलब टाइम कितना लगेगा काम होने में, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 3 दिन तो ये हो गए ए वाला, 3 + ये 27 है, 27 यूनिट। मतलब टोटल वर्क से हम लोग एक दिन का काम जो बचा हुआ काम है, मतलब ए बी का जो बचा हुआ काम है एक दिन का काम है, वो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा काम आ जाएगा। तो 60/5 या कह सकते हैं जो बचा हुआ काम कितना है 27, तो 27/5 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 3 + इसको 5 से हम लोग काटेंगे, तो कितना आएगा 5 से 2/5। फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे 3 + 5 को कितना होगा 8, तो 8 से 2/5 डेज, तो इतना टाइम लगेगा काम पूरा होने में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं व लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कों की संख्या बताइए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो टोटल स्टूडेंट हम लोग मानेंगे 100%, जिसमें से 60% बॉयज हैं। ओके, तो 100 से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40% कितनी हो जाएगी? लड़कियाँ हो जाएंगी। 40% कौन हो जाएंगी? लड़कियाँ। तो लड़कियों की संख्या दी है, मतलब 40% की वैल्यू है 972, तो लड़कों की संख्या हमें पूछनी है, मतलब x = 60% क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x = क्या हो जाएगा 60 × 972/40, तो ये हम लोग काट देंगे, तो कितना आएगा 1458। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1458। अब इसकी सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं कि क्या होती है। हमें पता है 60% कितने हैं बॉयज हैं 60%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60% का मतलब बटे में 100, तो 60/100, ये 0 से 0 कटा, फिर ये काटेंगे 3/5, फ्रैक्शन में आ गया 3/5, जिसमें 60% कौन थे? लड़के, मतलब 3 हो जाएंगे लड़के, और जो 5 था 100% मतलब टोटल स्टूडेंट, तो 5 कितने हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। तो अगर हम लोग 5 में से टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ की संख्या घटा दें, तो वो हमारी गर्ल्स की संख्या निकल आएगी, तो 5 − 3 तो 2 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी है 972, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 972/2, मतलब 486 लड़कियाँ हो जाएंगी। तो हम तो पूछ रहे बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो हमें पता है 3 ऊपर बॉयज़ दिया है, तो 3 × 486। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा 1458। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से आता है, भाई आने व जाने में t समय लगाता है, तो दूरी बताइए, तो इसको कैसे करेंगे? तो एक व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, इसको हम लोग लगाएंगे टाइम एंड वर्क की तरीका, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कितना हो जाएगा x × y। ओके, या कह सकते हैं x y का मान कितना है t कह सकते हैं, कैपिटल t, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इनका एक घंटे का काम निकाल लेंगे, जो हमारा ये आया टोटल डिस्टेंस, तो इनके एक घंटे की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो x का डिवाइड करेंगे x y में, तो कितना आ जाएगा y r, y का डिवाइड करेंगे x y में तो x r, तो इनका 1 आवर का डिस्टेंस आ गई, इतनी दूरी तय करती है। तो हमें पता है दोनों मतलब आने जाने में कितना टाइम लगेगा, t लगता है टोटल, ऊपर दे रहा है t घंटे में, 3 घंटे का समय लगता है आने और वापस जाने में, तो x + y = t, मतलब x + y का मान है t, तो एक घंटे का मकाम कितना होगा t/x + y। अब पूछ रहा है आगे कि दूरी बताइए, दूरी हमें पता है कितनी है xy, टोटल डिस्टेंस हमें पता है xy है, तो xy = क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी देखिए चाल बराबर क्या होता है स्पीड = डिस्टेंस / टाइम,
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इंटू समय। तो दूरी हमें पता है एक्स वाई है और समय कितना आ गया टी अपान एक्स प्लस वाई। ओके, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का है। जैसे कि एक क्लास का औसत वजन है 15 kg, दूसरी क्लास का औसत वजन है 30 kg। ओके, यदि दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन है 25 kg तो पहली व दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे, पहली क्लास का वजन है 15 kg, दूसरी क्लास का वजन है 30 kg। तो एलिगेशन में क्या होता है, इधर वाली संख्या कम लिखी जाती है, इधर वाली ज़्यादा लिखी जाए, बीच में जो होती है इससे ज़्यादा होती है और इससे कम होती है। ओके, तो ये 25 kg मतलब औसत वजन, दोनों क्लासों का औसत वजन है 25 kg। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिगेट कर लेंगे। ओके, घटा लेंगे, तो इसको हमने घटाया, 30 से 25 घटाए तो 5 kg, 25 kg से 15 kg घटाए तो 10 kg, तो छात्रों की संख्या पहुंच रहे। तो इसको रेशियो में कैसे निकालेंगे, 5 से कटाइए ये दो, 5 से कटाइए एक और ये दो, 5 से कटा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है 1/4 / 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, ए बी का मध्य समानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इसमें हम लोग डायरेक्ट ए ओ बी के मान पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4 × 1/9। तो इसे बाहर निकालेंगे तो 1/2 × 1/3, तो आंसर हो जाएगा 1/6। अगला क्वेश्चन है 18 / 36 का तृतीय समानुपाती निकालिए। तो तृतीय समानुपाती का जो ट्रिक होती है वो होती है 2² / 1, बी का मान है 36, ए का मान है 18, तो 36 × 36 / 18, तो 18 से 2 36 से कटा तो कितना आएगा 2, तो 36 × 2 कितना हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले राम व श्याम की जो आयु है, आयु का जो रेशियो था वो 2:3 था, मतलब 5 वर्ष पहले। ओके, अब आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो होगा 3:5, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रेजेंट, ओके ये है प्रेजेंट, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ओके ये 5 वर्ष पहले हो गया, फिर 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। ओके, तो इसको 5 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये मतलब बीच में रहेगा प्रेजेंट और ये रहेगा 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले, तो हम लोग पहले 5 वर्ष बाद वाली आयु पहले निकालेंगे। ओके, आके कह रहे हैं अब हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो रेशियो था 2:3 है, अब 5 वर्ष बाद कितना होगा 3:5। अब हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है 1, अब इसका कितना है 2, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इनमें देखते हैं सबसे पहले, तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, 5 में से 3 गए तो बचा 2, ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आएगा हमारा, तो देखिए किया 2:2 / 3:2 और नीचे किया 2:3 × 1 / 5:1, तो आगे क्या आया 4:6, बट तीसरा अरे का 5 वर्ष बाद वाला कितना हो गया 3:5। अब देखिए इनका डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं, 4 में से 3 गया तो 1, देखिए 1 आ गया, फिर 6 में से 5 गया 1 आ गया, रेशियो बराबर हो गया, मतलब 4 से 3 बनने में कितना टाइम लग रहा है 10 years का, मैंने आपको बताया था बीच में प्रेजेंट रहता, मैंने यहाँ पे दिखाया प्रेजेंट, तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले ये 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम हो गया 5 + 5 = 10, मतलब 1:1 की वैल्यू आ गई 10, तो आगे 3:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10 = 30, फिर 5:1 की वैल्यू कितनी 5 × 10 = 50, मतलब इनकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई 30 और 50, तो प्रेजेंट में आयु की क्या होगी, तो देखिए 5 वर्ष बाद से हम लोग प्रेजेंट में जाएंगे तो कितना होगा 5 घटाना पड़ेगा तभी तो प्रेजेंट में पहुंच पाएंगे, तो 30 से 5 घटाए तो 25, 50 से हम लोगों ने 5 घटाए तो 45, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 70, प्रेजेंट में इनकी आयु का योग पूछ रहा था तो आंसर हो गया 70। अगला क्वेश्चन है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस।
तो इसको हम लोग बटे में लाएंगे तो क्या होगा, सी पी बटे एस पी इजकल टू 14/16। अब देखिए सी पी कितना हो जाएगा 7, एस पी कितना हो जाएगा 8। देखिए मैंने लिखा हुआ है सी पी हो जाएगा 7, एस पी हो जाएगा 8। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, मतलब कोई वस्तु को 7 रुपये में खरीदा और 8 में बेच दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1, मतलब प्रॉफिट हुआ 1। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 1/1, तो पहले रखेंगे प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100, मतलब प्रॉफिट है 1, सी पी है 7, तो 1/7 × 100, तो 100/7 कितना हो जाएगा 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20/25 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग 20 के फैक्टर करेंगे, 2 × 5 × 2, 25 के फैक्टर करेंगे 5 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब सारी संख्याओं को लिख लेंगे जो कॉमन भी मिल रही हैं और जो अलग से भी हैं, मतलब 2 × 5 × 5 × 2, तो आंसर हो जाएगा 100। एससीएफ निकालेंगे तो एससीएफ कैसे निकाला जाता है, मतलब उन दोनों में से कॉमन लिया जाता है, मतलब 5 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो 5 हो जाएगा एससीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसका मान हमें पुट करना है, तो क्या आएगा, तो अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को इस तरह से बना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, अगर अंश और हर में x से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे x कितना हो जाएगा x, प्लस 3x/x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 3, प्लस 1/x ये हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x, 7x से x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 1/x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 7, इसका मान रख देंगे हम लोग कितना है 1, तो 1+3 अपॉन 1+7, मतलब 4/8, 4 से ये कटेगा, आंसर हो जाएगा 1/2। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो भी नए लोग देख रहे हैं। ओके 20% बड़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे एक ट्रिक याद रखिए, फार्मूला कि जो मतलब चेंजेस आते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, अगर आप इसको याद करते हैं या ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। ओके तो देखिए 20% की वृद्धि करते हैं तो हम लोग इसे प्लस से डिनोट करेंगे और 20% की डिक्रीज करेंगे तो इसे माइनस से डिक्रीज करेंगे, जहां ए की वैल्यू हम लोग 20 मानेंगे, बी की वैल्यू -20। ओके तो पुट कर देंगे तो 20 प्लस कोष्टक के अंदर -20, फिर प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100, 20 से 20 कटा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, जो कि मैंने नीचे आपको काट के दिखाया है, तो क्या आ जाएगा -4%। तो माइनस क्या शो करता है, डिक्रीज मतलब कमी, तो आंसर क्या हो जाएगा -4%, मतलब 4% डिक्रीज, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर 8% की छूट देता है, ओके यदि वह उसे इसे और 20 रुपये कम करके बेचता है तो उसे कुल 13% की छूट देनी पड़ती है, तो वस्तु का अंकित मूल बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एमआरपी जो डिस्काउंट या कहते हैं छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, एमपी मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस होता है जो उस पर छूट दी जाती है। ओके तो क्या करेंगे, पहले कंडीशन में क्या किया कि वस्तुओं पर 8% की छूट देता है, मतलब पहले 8% की जो छूट दी, तब क्या वो बन जाएगा एसपी, मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि मार्क प्राइस में अगर छूट निकाल दी जाए या डिस्काउंट घटा दिया जाए तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके तो 8% की छूट दी और बेचा उसे आगे रुपए में, आगे क्या कहता है कि यदि भाई उसे 20 रुपए कम में बेचता है, तो मतलब 20 रुपए कम में बेचता है, तो यहाँ पे 20 नहीं 60 होगा। ओके ये 60 लिख लीजिएगा, तो 60 रुपए कम में बेचता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के सामने 60 लिख लेंगे। ओके तो उसे कुल 13% की छूट देनी पड़ती है, तो दोबारा उसे क्या देनी पड़ेगी, 13% की छूट अगर 60 रुपए कम में बेचता है। ओके तो क्या करेंगे, पहले क्या हो रहा था 8% में बेच रहा था, फिर 13% जब 8% में बेच रहा था तब उसे जो फायदा हो रहा था, ओके फिर क्या करें कि 60 रुपए मतलब 60 रुपए कम में बेचते तो उसे 13% की छूट देनी पड़ती, मतलब पहले 100 होगा फिर उसे 60 रुपए कम कर दिया होगा, तो क्या कह रहे हैं, मतलब
जो 13% आया है, 13% की छूट देनी पड़ती, 13% और 8% की जो बीच की जो वैल्यू होगी वो 60 के बराबर होगी, या कह सकते हैं डिफरेंस। तो पहले 8% की बात हो रही थी, और जब 13% की बात हुई तो उसे 60 रुपए कम में बेचना पड़ता। ओके, तो 13% माइनस 8% इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो 13 में से 8 गए तो 5%, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 12। एमआरपी हमसे एमआरपी पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, तो एमआरपी को हम लोग 100% मानते हैं, तो 100 × 12 तो आंसर क्या हो जाएगा 1200। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 560 रुपए हो जाता है, यदि वस्तु पर केवल 5% की छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य बताओ। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे, एमपी को, मार्केट प्राइस को हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, इस पे 20% की छूट दी जाती है, जब 20% की छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल 560 रुपए हो जाता है, मतलब 100 से 20% घटा दें तो कितना बन जाएगा 80%। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्क प्राइस से अगर डिस्काउंट को घटा दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके, तो 80% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 560 रुपए दी हुई है, तो 80% की वैल्यू 560। आगे क्या कर रहे हैं, यदि वस्तु पर केवल 5% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो सेकंड कंडीशन में 5% की छूट दी जाती है तो इसे एमपी से डिस्काउंट घटा देंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, तो 95% की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो इसको एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 560 × 95 अपन 18, 0 से 0 कटा, 8 × 7 = 56, 95 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 695 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक शर्ट व पैंट जिनके अंकित मूल क्रमशः 1:2 में है, दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है जबकि शर्ट व पैंट पर मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। तो हम लोग सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझना है और ढंग से देखना है। तो क्या कहता है कि पहले केस में क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्ति शर्ट व पैंट जिनके अंकित मूल क्रमशः कितने में, 1:2 में, तो शर्ट व पैंट मतलब शर्ट प्लस पैंट का रेशियो क्या है 1:2, तो इसे 1 लिख लिया, इसे 2 लिख लिया। तो दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है, तो शर्ट पर कितनी दी 40% की छूट, तो ये 40 हो गया, जबकि शर्ट व पैंट पर कुल मिलाकर टोटल 30% की देता है, तो शर्ट प्लस हम लोग कर सकते हैं शर्ट प्लस पैंट कितनी होगी 30%, तो पैंट पर दी गई कितनी छूट होगी, तो ये हमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें जैसा कि पता है मार्केट प्राइस को हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, तो शर्ट के लिए हम लोग 100 मान लेंगे। ओके, तो 40% की जब छूट दी जाती है तो 100 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा 60। ओके, आ गया 60 हमारा। फिर शर्ट व पैंट की बात आती है, 30% की छूट दी जाती है, तो क्या करेंगे, जब हमारी जो एक वैल्यू आ गई 60, तो शर्ट के केस में आगे 60 वैल्यू क्योंकि इसका रेशियो 1 था, तभी हमने इसे 100 माना था। अब पैंट की वैल्यू आती है 2, रेशियो इसका 2 दिया हुआ, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो 200 इसका मार्कअप प्राइस आ जाएगा। ओके, आगे क्या कहता है कि पैंट पर कितनी छूट दी जाती है, तो ये 200 आ गया। ओके, तो इसको तो हम लोग बाद में निकालेंगे, तो शर्ट प्लस पैंट पर कितनी छूट दी जाती है 30% की, तो 100 + 200 कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस 300, मतलब शर्ट और पैंट का मार्कअप प्राइस 300, तो इसका हम लोग 30% निकाल लेंगे तो 210 आ जाएगा। ओके, अब जो दोनों का आ गया हमारा, मतलब शर्ट और पैंट का जो छूट दी जाती है वो आ गई 210 रुपए, इतने रुपए में बेचा, तो शर्ट को कितने में बेच रहे थे 60 में, और दोनों मिलाकर 210 में बेच रहे थे, अगर 210 से हम लोग 60 घटा दें तो हमारा आ जाएगा पी का एसपी आ जाएगा, तो 210 से हमने 60 घटाया तो 150 आ गया, तो ये हो गई हमारी पैंट की वैल्यू, तो पैंट का कितना हो गया 150। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, तो कैसे करेंगे, तो ये हमारी आएगी सेलिंग प्राइस, तो छूट कितनी दी जाती है 200 से अगर हम लोग 50 घटाएं तो कितनी छूट हो गई 50, 50 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे मार्क प्राइस को, क्योंकि जो छूट दी जाती है तो वो मार्क प्राइस पर दी जाती है। ओके, तो 50 को ऊपर रखेंगे और बटे में 200 कर देंगे इंटू 100, 20 से 20 कटा, और ये मतलब 25% की छूट दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि पी व क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो है 5:6, तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमें पता है पी रेशियो क्यू का वर्तमान में क्या रेशियो है, 5:6, और 7 वर्ष क्या हो जाता है, 6:7, 7 वर्ष बाद। अब इनका हम लोग डिफरेंस देखेंगे बराबर है कि नहीं, 6 में से 5 घटाया 1 आ गया, 7 में से 1 घटाया 1 आ गया, देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, मतलब 5 से 6 बनने में कितना टाइम लग रहा है, 7 ईयर्स का, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो पी की वर्तमान आयु हमें बतानी, तो पी की वर्तमान में रेशियो क्या है, 5, तो 5 × 7 कर देंगे, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 7 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 7, तो 35 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा दिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है, तो एक साथ काम करके भाई दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ए का एक दिन का काम, ए किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है, और बी जो काम करता है ए का आधे भाग का मतलब खत्म करता है, मतलब ए 18 दिन में करेगा तो बी 9 दिन में करेगा। ओके, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 जो होगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए और बी का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे, 18 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 1, 9 का 18 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1+2=3, कितना काम खत्म करेंगे, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 3। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी काम को 20 दिनों में खत्म करता है, यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये हमें बताना, मतलब रेशियो पूछा गया। तो हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी काम को 20 दिन में, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए और बी का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए का 15 में डिवाइड किया 60 में तो कितना आ गया, 4, 20 में डिवाइड किया 60 को तो एक दिन का काम आ गया 3, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 7, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 7×4 मतलब 28 यूनिट। अब बचा हुआ काम क्या है, 60 से 28 घटा देंगे तो 32 रेशियो, जो तो चूंकि पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए काम को टोटल वर्क से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 30/60 क्या हो जाएगा आंसर, 8:15 या 8/15। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।